हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे फॉर्म भरना है BHU एडमिशन पोर्टल का। तो आइए चलते हैं। तो सिंपली आपको पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है bhusummit.ac.edu.in पर जाना है। फिर वो सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपके एप्लीकेशन नंबर और एप्लीकेशन नंबर डाल के, आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल के, कैप्चा डाल के आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। आपके मेल पे OTP आएगा, वो OTP फिल करना है। फिर देन आपको मेल पे जो आपने पासवर्ड डाला है वो जाके वहाँ से कॉपी करके उधर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पोर्टल खुलेगा। पर्सनल डिटेल्स पे जाना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा डिटेल फिल कर देना है, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो, और उसके बाद सारे स्टेप बाय स्टेप आपको फिल कर देना है। फिर उसके बाद आपको बैंक डिटेल फिल करनी है। फिर उसके बाद आपको प्रोसीड करने के बाद आपको एक ऐसा पेज ओपन होगा ताकि आप ऑफिस आपकी डिटेल चेक कर सकें। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको, अगर आप स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करते हैं तो आप स्पोर्ट कोटा की डिटेल फिल कर सकते हैं, एंड देन आपको, नहीं तो आप प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद आपको फिर अदर डिटेल्स का ऑप्शन शो होगा। अदर डिटेल्स में आप अगर हॉस्टल लेना चाहते हैं या अकोमोडेशन लेना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करें। और उसके बाद आपको अगर एक्स्ट्रा मेडिकल अटेंशन चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। अगर आपके पास NCC या NSS का सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रोसीड करें। उसके बाद आपको अपडेट्स वाला पेज खुलेगा। फिर उसमें आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, CUT PG का रिजल्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड आपकी टेंथ की मार्कशीट या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको ये पेज खुलेगा, इस पर आप टिक करना है। टिक करके कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक करना है, एंड देन आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आपको, या तो आप MSc एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर रहे हो या MSc हॉर्टिकल्चर के लिए, तो आपको दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है। अगर आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है तो आप एक बार MSc एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करके एंड नेक्स्ट वापस आप MSc हॉर्टिकल्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस बार पैटर्न चेंज कर दिया इन्होंने। पैटर्न में क्या किया कि MSc एग्रीकल्चर वाले अलग अप्लाई करेंगे और हॉर्टिकल्चर का अलग ही ब्रांचेस या अलग ही पोर्टल अलग से इन्होंने फिल करने के लिए ऑप्शन दिया है। तो दोनों के लिए सेपरेट आपको 300-300 पे करने होंगे अगर आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको एक के लिए अप्लाई करना है तो आपको 300 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। एंड देन आपको, अगर हम बात करें प्रेफरेंस फिल करने की, तो प्रेफरेंस आप मार्क्स के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं और आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है, ताकि आप फर्स्ट या सेकंड या थर्ड काउंसलिंग में आप अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकें। उसके बाद आपको अगर प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको सारी एकेडमिक्स डिटेल है वो फिल करनी है स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद आपको, अगर आपने 4 साल का BSc एग्रीकल्चर का कोर्स किया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी आपके सेमेस्टर में OGPA या CGPA जो भी है वो सारी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है, आपके जो भी यूनिवर्सिटी का कन्वर्जन फैक्टर है उसके हिसाब से, और आपको सारी फिल करनी है। आपका अगर आपका रिजल्ट सारे सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है तो आप सारी फिल कर दीजिएगा। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप अपीयर या अवेटेड डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका कन्फर्मेशन पेज खुलेगा और उसमें अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आप सारे पर टिक करके पेमेंट कर सकते हैं। अब पेमेंट आप नेट बैंकिंग से, UPI से या वॉलेट से किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको 300 पे करना है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज खुल टाइम वहाँ पर जाना है और नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे स्क्रॉल करके डाउनलोड का ऑप्शन या उसका आपका फॉर्म का प्रिंट का ऑप्शन शो होगा, आपको प्रिंट कर लेना है।